आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आरके सर, आज मैं आपके लिए पांचवा सेट लेकर आया हूं। और ये सेट जो है दिनांक 19/9/2018 में 9 बजे से लेकर 10:30 तक के सेट हैं। इनको आज मैं फिर विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं सेट की ओर। यदि अच्छा लग जाए तो शेयर जरूर कर दें, और शेयर कर देने से ये होगा कि आपको हम प्रैक्टिस इसलिए चुन चुन कर सवाल पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि आने वाले परीक्षा में आप किसी भी सवाल में हेजिटेशन ना हो। इसलिए आपको मैंने ऐसा वीरापान उठाया हूं। आपकी कामयाबी ही मेरी कामयाबी है, आपकी पहचान ही मेरी पहचान है। इसलिए आपसे कहना है, चलो ऐसा की पहचान बन जाए, जियो ऐसा की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलो बहादुर चलते हैं सवालों के दौर में। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो ही आपको पर्दे पर यदि आ जाए तो पहले हर लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दें ताकि आपको बनाने में सुविधा हो जाएगी। आइए, टी का वैल्यू होता है 20, ई का वैल्यू होता है 5, ए का वैल्यू 1, एम का 13, डब्ल्यू 23, एच 8, डी 4, पी 16। यानी कोड के भी प्रत्येक लेटर का वैल्यू हम लिख दिए, डिकोड का भी लिख दिए। अब देखें, शुरू के शुरू लेटर को हम चीन मार देते हैं, यानी 20 से 23 हो जा रहा है। तो 20 में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर दूसरा लेटर दोनों तरफ देखें, ई है एच है, 5 से 8 हो जा रहा है, तो 5 में 3 बढ़ रहा है। फिर देखें तीसरे लेटर को, 1 से 4 हो जा रहा है, तो 1 में 3 बढ़ जा रहा है। फिर देखें चौथे लेटर को, 13 से 16 हो जा रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। यानी कोड के प्रत्येक लेटर में 3-3 जोड़ने से डिकोड बन जा रहा है। उसी तरह से क्वाइंस को, तो सी का वैल्यू 3, ओ का 15, आई 9, एन 14, एस 19। प्रत्येक में 3-3 डालल गया है, तो डाला जाए +3 +3 +3 +3 सबको डाल दिए। और शुरू के लेटर शुरू में जाएगा तो 3 3 6 नंबर पर एफ लेटर होता है, 15 3 18 18 नंबर पर आर होता है, 9 3 12 12 नंबर पर एल होता है, 14 3 17 17 नंबर पर क्यू लेटर होता है, 19 3 22 22 नंबर पर कौन सा लेटर होता है भी। उसी भाषा में जिस भाषा से टीम को डब्ल्यू एच डी पी कहा गया है, उसी तरह से क्वाइंस को एफ आर एल क्यू एन क्यू भी। तो देखिए मिलाइए एफ आर एल क्यू भी कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहा है। फिर चलते हैं सवाल दूसरे नंबर पर, इन आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो ये बहुत इजी है, आप यदि मैं एक से एक हिट सवाल फिगर काउंटिंग का, आपको फिगर काउंटिंग के नाम से डाल चुका हूं, उसमें आयत, वर्ग, सरल रेखा आदि आदि चीज किससे गिनी जाती है, सारी बातें मैं वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में चले जाएं मेरे चैनल से, और हर वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। मैं कह देना चाहता हूं, हवाओं में ताश के महल नहीं बनते, रोने से मुकद्दर नहीं संवरते। यदि दुनिया को जीतना है तो एक जीत से कोई महासिकंदर नहीं बनते। इसलिए मेरे हर लेसन को देखो, फारू सवाल है। आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, इनमें कितने त्रिभुज है। सिंपल ट्रिक है, 1 2 3 4 छोटे छोटे टुकड़े को देखते हैं, 1 यहां से यहां, 2 यानी सभी छोटे छोटे टुकड़े को गिने, 1 2 3 और 4। इनमें बड़ा अंक कौन सा है, 4।
तो बड़े अंक का दुना कर दे तो चार गुना दू, तो चार दुना क्या होता आठ। ऑप्शन नंबर कौन फॉलो कर रहा है, एक कर रहा है। फिर चले कथन कहा जा रहा है, कथन तर्क, कथन अवधारणा, कथन धारणा आदि आदि सवाल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ग्रुप डी में विशेषकर यही पूछे जा रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया कुछ है नहीं। आप मेरे हर वीडियो को देखें, मैं इतना वीडियो डाल देता हूँ कि ताकि आपका ब्रेन वाश हो जाए। चलिए मैं अपने रंगत में आ रहा हूँ, इसलिए दुआ मांगी थी तेरी आसियाने की, चल पड़ी आंधिया इस जुआ की जमाने की, मेरे जहन की आगाज को कोई समझ ना पाया, मुझे थी हर एक जुबा के जहन में आग पैदा कर पढ़ाने की। तो चलिए सवाल तीसरे में, कथन कहा जा रहा है सभी मोबाइल ब्रांडों में से, सभी मोबाइल ब्रांडों में से, एक मोबाइल ब्रांड की चर्चा नहीं की गई है, सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। सभी मोबाइल ब्रांडों में सबसे अधिक बिक्री किनकी है, सैमसंग की है। तो आइए स्टेटमेंट निष्कर्ष की ओर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट को देखते हैं, अन्य मोबाइल ब्रांड प्रचलित है, पर तभी तो सभी ब्रांड कहा गया है। अन्य मोबाइल ब्रांड नहीं होता तो उनमें बेहतर सैमसंग की नहीं होता तो अन्य मोबाइल ब्रांड तो प्रचलित है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल फॉलो कर जा रहा है। दूसरा कह जा रहा है कि कोई अन्य मोबाइल ब्रांड प्रचलित नहीं है। अन्य कोई मोबाइल ब्रांड प्रचलित है या नहीं है इनकी चर्चा कथन में नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए दो गलत। सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर स्टेटमेंट में है, दो में है। फिर भाई जान चले क्वेश्चन नंबर चार में, फिर कथन कहा जा रहा है क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथिन का प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि सरकार स्थानीय बाजारों में पॉलीथिन का प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। आइए हम चलते हैं यहाँ, हाँ इस प्रतिबंधित कर देनी चाहिए, हाँ हाँ मतलब हाँ पॉलीथिन को बंद कर देनी चाहिए, हाँ हाँ का मतलब लिंक को जोड़िए, हाँ बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है, इसलिए बंद कर देना चाहिए कि पर्यावरण को हानि होती है, लोग सब्जी खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं। तो यदि पॉलीथिन यदि बंद हो जाएंगे तो लोग अपने सब्जियों को ढोने के लिए बैग तो निश्चित रूप से अपने साथ ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक नंबर जा रहा है सही। दूसरा कहा जा रहा है नहीं, यह सुविधाजनक नहीं है। यानी पॉलीथिन को बंद ना करें, यह सुविधाजनक नहीं है। क्यों ना बंद किया जाए, जब हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो पॉलीथिन को हम बंद क्यों न करें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो गलत हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर चार के एक नंबर ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, वह दो नंबर में है। अब यहाँ देखें आकृतियां, देखें ये चार टुकड़ों में है, ये पहला टुकड़ा में ये है, दूसरा पिक्चर में यही आकृति इसमें आता है, तो कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो दोनों बिंदा जो है, दोनों बिंदा जो का त्यों है, सिर्फ पलटवार कर रहा है ये एंगल। एल जैसे जो है ये है दाएं वाला भाग बाएं पलटी मार दिया है। फिर उसी तरह से देखें, ये पहला घर में है, ये दूसरा घर में आ गया, अब तीसरा घर में गया है, ऊपर से पलटी मार के आया है, ऊपर से पलटी मारा तो इनका एल का उल्टा हो गया जो का त्यों। अब ये तीसरा जो है चौथा में कैसे बनेगा आप देखें, चौथी ये है, ये पहला में था, ये दूसरा में, ये तीसरा में, अब चौथा में कैसे बनेगा, पलटी मारेगा, क्यों पलटी मारा ऊपर में दोनों, तो ये पलटी एल मार देगा, ये दोनों बिंदा ज्यों का त्यों रहेगा, मोटा कर दिए। ऐसी हूबहू आकृति आप खोज लें, चार नंबर में है, कौन सा आंसर हो जा रहा है, चार नंबर। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर छह, गाजर गोभी और सब्जियां,
गाजर और गोभी में नो संबंध है, कोई संबंध नहीं है। इनमें वेन डायग्राम में तीन ही कंडीशन होते हैं, दो दो को जोड़े, चाहे ऑल होगा, ऑल नहीं होगा तो सम होगा, सम नहीं होगा तो नो तो होगा ही होगा। तो चलते हैं, गाजर गोभी में कोई संबंध नहीं है तो नो है। अब गोभी और सब्जियां, तो गोभी के सभी भाग को हम सब्जियां कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑल। फिर देखें गाजर और सब्जियां, गाजर के सभी भाग को भी हम सब्जियां कहते हैं, तो क्या कहते हैं ऑल। दो ऑल एक नो वाले कंडीशन ये चार में खोज ले, तो दो नो, सॉरी दो ऑल एक नो। देखिए गाजर के भी सभी भाग इस सब्जी में है, सब्जी में है, और गोभी के भी सभी भाग सब्जी में है, और गाजर और गोभी, गाजर और गोभी में नो संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है, तीन जा रहा है। अब देखिए सालों से देखें, बहुत ही बेहतर सवाल है। छोटा का सभी भाग बड़े में समा जा सकता है, लेकिन बड़ा का कुछ ही भाग छोटे में आता है। आइए, सभी चट्टान अयस्क है, चट्टान के सभी भाग, सॉरी थोड़ा सा, चट्टान के सभी भाग क्या है, अयस्क है। चट्टान के सभी भाग अयस्क है, अयस्क के कुछ भाग में ही चट्टान के सभी भाग है। चट्टान का सभी, अयस्क का सभी भाग चट्टान में कभी नहीं जा सकता है, बड़ा का छोटा में सभी भाग कभी भी समा नहीं सकता है। फिर देखें सभी खनिज अयस्क है, जितने भी खनिज हैं वह अयस्क वाले डायग्राम के अंदर हैं, तो अयस्क वाले डायग्राम में डाल दें किसको, खनिज को, यानी खनिज के डायग्राम के सभी भाग किसमें जा रहा है, अयस्क में जा रहा है। अब चलिए निष्कर्ष में, सभी चट्टान अयस्क हैं, चट्टान के सभी भाग अयस्क में तो है, बिल्कुल एक नंबर सही। दूसरा कह जा रहा है कि सभी खनिज चट्टान है, खनिज के डायग्राम के सभी भाग चट्टान में नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दो गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जा रहा है, एक हो रहा है। तो ऑप्शन चार में देख लें, केवल एक नंबर अनुसरण कर रहा है, एक में हम टिक मार दिए। फिर देखें इनमें कितने सेक्टर हैं, वृत्त के खंड हैं, वृत्त के टुकड़े हैं। तो जानते हैं कि एक वृत्त में चार टुकड़े दिया गया है, एक दो तीन और चार, ऐसा वृत्त हूबहू क्या हुआ है, एक दो तीन चार और पांच। तो एक वृत्त में चार खंड, तो पांच वृत्त में कते, तो पांचों बीस खंड होंगे। ये भी आप एकदम देखिए, कोई पेन चलने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि भाई तंग आ गए, आप शेर तो मेरा शुरू से अंत तक देखो, आपके लिए मंजिलें दूर नहीं होगा। बोझा ढोने वालों का अपनी मंजिलें दूर नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर नौ पर चलते हैं। कुछ नींबू लाल हैं, यानी नींबू के डायग्राम के कुछ भाग, सॉरी कुछ नींबू लाल है, सॉरी नींबू के डायग्राम के कुछ भाग क्या जा रहे हैं, लाल जा रहे हैं। अब कुछ चुकंदर लाल हैं, चुकंदर के डायग्राम के थोड़ा सा चुकंदर लाल के डायग्राम में है। देखिए ये भाग तो है चुकंदर, यानी चुकंदर के कुछ भाग लाल है। आइए निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ नींबू कूद है, नींबू है लेकिन इसमें कूद नहीं है, तो इसलिए गलत है। चुकंदर लाल है, कुछ है कि सभी है, इनकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो भी गलत चल जा रहा है। इसलिए दोनों में कोई फॉलो नहीं किया, एक और दो नहीं, ऑप्शन नंबर एक पर चल जा रहा है। अब देखें विषम संख्या को चुने, क्वेश्चन नंबर 10 में, अंगूठी जोर नाखून अंगूठा। अंगूठी जो है ये तीनों शरीर के अंग हैं, लेकिन अंगूठी शरीर के अंग नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून सेम है, यहाँ पर भी 7 जून सेम है, केवल वर्ष की अंतर है। तो 1984 में से 1983 को घटाए तो एक वर्ष,
और एक वर्ष जो है वो अभी क्या है लीप है, एक जोड़ दे तो कितना हो जाता है दो वर्ष, यानी दो जो है 84 से 83 की ओर जा रहे हैं, 84 वर्ष से 83 की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस दो कर दें। गुरुवार से दो दिन माइनस करें, माइनस मतलब बीता हुआ दिन या प्लस मतलब आने वाले दिन। तो गुरुवार से दो दिन बीता हुआ दिन कौन सा होता है, मंगलवार होता है, मंगलवार होता है। तो फिर सवाल की ओर हम फिर सवाल नंबर 12, यदि मेट को के वाई आर कहा जाए तो हीज को क्या कहा जाए। तो देखिए एम का वैल्यू होता है 13, एक बी टी का वैल्यू 20, के का वैल्यू 11, वाई का वैल्यू 25, आर का वैल्यू 18। शुरू के लेटर से देखें 13 से 11 हो जा रहा है तो माइनस दो, फिर देखिए 11 और 25 में दूरी हो गया, तो जब ज्यादा लेटर यदि 1 और 25 के बीच में 24 लेटर आ जाते हैं, जब लेटर जब ज्यादा आ जाए तो इसमें 26 का पावर डाल दें। टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं अल्फाबेट में 26, तो 26 × 1 = 27, यानी कहने का अर्थ ए का बड़ा वैल्यू 27, ए का छोटा वैल्यू 1। देखिए 27 से आपको 25 हो जा रहा है तो माइनस दो, फिर 20 से 18 हो जा रहा है तो माइनस दो, यानी प्रत्येक लेटर से दो दो घटाने से डिकोड बन जाता है। उसी तरह से हीज को एच का वैल्यू 8, आई का वैल्यू 9, एस का वैल्यू 19, यानी प्रत्येक में से दो दो घटा डालें। और शुरू लेटर से 8 में से 2 गया तो 6 नंबर पर एफ, 9 में से 2 गया 7 नंबर पर जी, 19 में से 2 गया तो 17 नंबर पर क्यू, एफ जी क्यू के नंबर का ऑप्शन में है 2 नंबर में है। अब एक क्वेश्चन नंबर चले 13। अब देखिए पहला अंक हर प्रत्येक में अंक है, हर के आगे 3 से 9 हो जा रहा है तो गुना 3, फिर 9 से 27 हो जा रहा है तो गुना 3, तो गुना 3 गुना 3 फिर 27 या कितना होता है 81। फिर देखे 2 से 6 हुआ तो +4, 6 से 10 हुआ तो +4, यानी ऊपर में लेटर में 4 बढ़ जा रहे हैं तो फिर 4 डाल देते हैं, तो 10 जे का वैल्यू 10, 4 कितना होता है 14, 14 नंबर पर क्या होता है एन, यानी 81 आंसर आया, 81 एक नंबर में है। कोई पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, ब्लड रिलेशन देखें, सी ई और एफ की माँ है, यहां से पढ़ें ई और एफ दोनों की माँ कौन है, सी है, माँ है तो माइनस, यानी दोनों के एक माँ होगा या पिता होगा तो एक सीढ़ी ऊपर होगा, तो ई और एफ के माँ सी है तो एक सीढ़ी ऊपर है। एफ का विवाह जेड से हुआ और एफ का विवाह जेड के साथ हुआ, तो जेड क्या है स्त्री, एफ क्या है पुरुष, यानी एफ पुरुष है, एफ के पत्नी कौन है जेड, तो जेड के एफ कौन है पति है, तो सी का जेड से क्या संबंध है, सी जो है जेड से क्या संबंध है, तो जेड के पति के माँ क्या होता है, पति के माँ हमेशा सास होता है, तो आंसर क्या जा रहा है एक नंबर। फिर देखें यहाँ पर 33 से 38 हो जा रहा है +5, 38 से 48 हो जा रहा है तो 10, 48 से 53 हो गया तो क्या होता है 15, इसी प्रकार से कितना बढ़ जाएगा आगे में 20। पहला दो 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, तो 53 20 कितना होता है 73, 13 में से 8 गया तो 5, थोड़ा सा मिस किए थे, आइए 33 से 38 हुआ तो +5, फिर 38 से 48 हो जा रहा है तो +5, फिर 38 से 53 हो जा रहा है तो +5, तो देखिए +5 +10 +5 +10 इसमें बढ़ाइए,
तो 53 10 कितना हो जाता है 63, 63 कितना नंबर में है 3 नंबर में है। अब देखिए ये मिरर है, मिरर है तो मिरर है तो जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब से नजदीक वाला लेटर कौन है टी, तो टी जो है बाएं बगल है तो बाएं से कहां चल जाएंगे दाएं बगल, यानी प्रतिबिंब से नजदीक वाला नजदीक है, दूर वाला दूर, तो प्रतिबिंब से नजदीक वाला टी तो पलटाएंगे तो पलट के जाएगा तो टी टी ए रहेगा। आई को भी प्रतिबिंब से बीच में वाले दूरी आई है, आई को पलटाएंगे तो आई ए होगा, के है के को पलटाएंगे तो के इस कदर से होगा, तो टी ऐसा पिक्चर देखे कहां है टी आई के उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है 2 नंबर में जा रहा है। यहां देखें टी का वैल्यू 20 1 19 2 18 3, यहां देखें एक लेटर छोड़कर एक, 20 से 19 हो जा रहा है माइनस एक, 19 से 18 हो जा रहा है माइनस एक, 18 से 17 हो जा रहा है, प्रत्येक में एक एक है तो यहाँ पर एक हटा दें, 18 में से गया तो 17, 17 नंबर पर कौन सा लेटर होगा क्यू 2 नंबर में। अब कहा जा रहा है विषम चुने फूल खर पर खर पतवार पते तना, यानी फूल खर पतवार पते तना, फूल के भी भाग पत्ते हैं और फूल के ही विभाग क्या है तने, लेकिन खर पतवार अलग है तो ये विषम कौन सा हो जा रहा है खर पतवार हो जा रहा है। देखिए ये इस प्रश्न आकृति जैसे हूबहू 4 में आकृति कौन सा है, ये तो नहीं है, बी नंबर भी नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है 3 में। अब यहाँ देखें 21 नंबर में एस 18, एस का वैल्यू होता 19, 19 से ठीक पिछला वैल्यू 18 लिखा अंक, यानी एस का वैल्यू 19, 19 का पहले का अंक 18 लिखा है, यू का वैल्यू होता यहाँ लिख ले 19 से नीचे वाला अंक 18, यू का वैल्यू 21 से छोटा वैल्यू 20 है, वाई का वैल्यू 25 से नीचा होना चाहिए 24 होना चाहिए लेकिन यहाँ हुआ, फिर यहाँ देखे 23 और 23 से नीचा कौन है 22, यानी कहने का मतलब 18 20 और 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का एक जैसा गुण है, सॉरी 4 का एक जैसा गुण है परंतु यहाँ पर वैसा गुण नहीं है, तो विषम कौन सा हो जा रहा है 3 नंबर हो जा रहा है। अब देखें लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है, लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है, हंसना समान और सार्वभौमिक शिक्षा, बिल्कुल हंसना समान और सार्वभौमिक शिक्षा है, बिल्कुल सही है, हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन शक्ति होता है, हैप्पी हार्मोन शक्ति होता है, बिल्कुल हंसने से क्या होता है हमारा शरीर ताजा होता है, एक हार्मोन शक्ति आ जाती है, आंसर नंबर 2 भी है, तो दोनों फॉलो कर जा रहा है तो कौन नंबर में जा रहा है 2 नंबर में जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि राम श्याम से कहता है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, यानी राम जो है श्याम से कह रहा है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए क्या पकड़ लूंगा फ्लाइट पकड़ लूंगा, तो आइए गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका था, तो तेज तरीका था तभी तो वह फ्लाइट का पकड़ने का कोशिश किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रेल बस परिवहन का अन्य माध्यम है, रेल और बस का चर्चा कथन में कहीं नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत, इसलिए सिर्फ 1 फॉलो कर जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। अब देखें 7 का 35 से क्या बात है संबंध है, 7 को 5 से गुना करते हैं तो 35 पुरता है, और कितना बार 125 पुराने के लिए किन अंक को 5 बार गुना करेंगे तो 25 को 5 बार गुना करेंगे तो 125 पुर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा यदि लग जाए तो आप से आग्रह ही करेंगे, हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, आप एक दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचावे ताकि गरीबों बच्चों को अपना अधिकार अपना स्वाभिमान और अपना अधिकार मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आरके सर को दें इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।